रवि, तुमने उस प्रतीक्षा को फोन करने को क्यों बोला? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, अगर वो यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा? पहली चीज तो वो मुझे लेट डाउन करेगी, मुझे इंसल्ट करेगी, ये कहेगी कि वो जीत गई, मैं हार गई एंड ऑल ऑफ दैट। तुमने सोचा नहीं एक भी बार मेरे बारे में? क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ तुम्हारे लिए? तुम दोनों की लड़ाई के बीच में ना मैं पिस रहा हूँ। तुम दोनों के लिए एक खेल बन चुका है और ये खेल खेलना मेरे साथ खेल रहे हो तुम लोग। रवि इनफ, प्लीज डोंट प्ले दिस विक्टिम कार्ड, ओके? क्योंकि जो भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। रवि, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, सीरियसली। तुमने कैसे बोल दिया कि उसे फोन करना है? अरे अगर उसने फोन उठा लिया, अगर वो यहाँ पे आ गई, तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? वो तो खुश हो जाएगी कि मैं बेंच पे बैठी हूँ यहाँ पे और तुम बिहाइंड द बार्स। मुझे ना समझ नहीं आ रहा, मैं घर पे रहूं, बाहर रहूं, या पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा हूं, तब भी मेरी जिंदगी में ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि सबसे बड़ी ड्रामे में बस तो प्रतीक्षा है, लेकिन नहीं, उससे बड़ी ड्रामे बस तो तुम हो चुकी हो। जिंदगी में ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या करूं मैं? मम्मी जी को क्या हुआ? अभी तो कुछ बोला भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं। मतलब कुछ नहीं। हेलो, रंधावा मेंशन? यस, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। हमने रवि रंधावा और काव्या को अरेस्ट किया है। क्या पुलिस स्टेशन आ सकती है अगर आप उन्हें जानती है तो? जी, अच्छे तरीके से जानती हो। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा, निकल इस घर से। मुझे अब तू नहीं चाहिए इस घर में। चाहिए मम्मी जी, मेरा मतलब है आपको मेरी जरूरत है, ये लीजिए ना। क्यों लूं, कौन है ये? हेलो, मेरी बात प्रतीक्षा से ही हो रही है ना? जी नहीं, मैं मनदीप रंधावा बोल रही हूँ, प्रतीक्षा नहीं। मिसेस रंधावा, रवि ने पहले आपका ही नंबर दिया था, फिर हमने आपको फोन भी लगाया लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। हाँ, क्योंकि मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाती हूँ, आपका नंबर सेव नहीं होगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन नियर मनाली। हमने आपके बेटे को अरेस्ट किया। रवि को अरे? इंस्पेक्टर, वो मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक FIR की कॉपी है मेरे पास। वो पुलिस स्टेशन में पंडित जी ने खुद हम लोगों की शादी को वैलिड बताया था और पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया था। वो FIR की कॉपी है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इंस्पेक्टर। ठीक है, लो। विमला, काव्या को हथकड़ी लगाओ। व्हाट? रिक? हाँ? इंस्पेक्टर साहब। हथकड़ी मुझे क्यों? अरे क्या करी आप? स्टॉप इट। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम रवि की पत्नी हो। अगर सच में तुम्हारी शादी रवि से हुई है, जैसा कि तुमने क्लेम किया था कि कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम्हारा हनीमून है, ये जानते हुए कि रवि शादीशुदा है, तुमने दोबारा शादी की, कानून की नजरों में ये क्राइम है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें, रवि को और पूरे फैमिली को अरेस्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट अभी तक कर लेना चाहिए। काव्या, सारा चिट्टा तुमने खोला है, अभी करने दो वरना अरेस्ट कर लेंगे हम सबको।